यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्मोही अखाड़ा का सूट खारिज किया और ये कहा है, आदेश दिया है केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि केंद्र सरकार निर्मोही अखाड़े जो श्री राम लला को पूरी वो जमीन दे स्कीम बना करके और जो मुस्लिम पक्ष है उनको 5 एकड़ का प्लॉट अन्यत्र मुहैया कराए अयोध्या के अंदर में। भैया मैं सबसे बहुत शुक्रिया आपसे। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और जिसको सब लोगों को स्वीकार एकदम करना हो चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको सबकी बातें की है और करने के बाद रामलला को बिल्कुल रामलला के पक्ष में निर्णय दिया है, ये बिल्कुल पूरे विश्व के लिए एक नजीर है, पूरे विश्व और न सिर्फ देश की धार्मिक एकता और अखंडता को बनाए रखने की निर्णय है बल्कि पूरे विश्व के लिए। आज पूरा विश्व जिस प्रकार से आतंकवाद से ग्रस्त है, भगवान श्री राम जिन्होंने त्रेता में आकर के आतंकवाद के लिए असुरों का संहार किया, आज निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये देश की एकता। विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश है। रामलला का दावा बरकरार माना गया है और अब एक ट्रस्ट के जरिए मंदिर निर्माण का आदेश भी दिया गया है। ये तस्वीर साफ करता है, लेकिन इतिहास के पन्नों तक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये माना कि बाबरी मस्जिद बाबर के वक्त पर मीर बाकी ने ये मस्जिद बनाई थी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने तक वहां पर इबादत के सबूत नहीं मुस्लिम पक्ष पेश कर पाया। राम मंदिर निर्माण का जिम्मा ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए, उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 उनको दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो सुटफोर था उसको भी अलाउ किया और ये कहा कि आप जो है 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है, राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एसोसिएटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज है उसको चलाने के लिए। एक तरह से यह सामाजिक सौहार्द या जो कॉमनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करता है, यह एक जो अनेकता में एकता वाली जजमेंट है और इसको 125 करोड़ पब्लिक स्वागत करती है। हम सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ऐतिहासिक फैसला यह एक ऐतिहासिक फैसला है, हिस्टोरिकल फैसला है। जय श्री राम। इस ऐतिहासिक फैसले को देखिए और ये भी समझिए हमेशा विश्वास के साथ कि किसी की जीत नहीं है ना किसी की